नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसे आप अपने अच्छे कर्म ही गए। यह पिछले जनों के कुछ ऐसे कर्म जो आपको इस जीवन में अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छे जीवन साथी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन में पिछले कई समय से आपका साथी है, जो आपके हर कार्य को, हर चीज को अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनिएगा, साथी का मतलब ये नहीं कि वह आपका प्यार करने वाला या फिर आपका पति हूँ। दोस्तों तो यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने अभी तक इसे पहचाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, यदि आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप इस व्यक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे। जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचान के बाद उसे एक अलग तरह का जोड़ा, एक अलग तरह का रिश्ता महसूस करेंगे और आपका बट भी उसके लिए बादल जाएगा, जिसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों इसके साथ ही आप जान लेने अपने जीवन के बट इनमें कुछ छुपी हुए ऐसे रहस्य, जिनके बड़े में शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया था। इसके साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर कुछ ऐसे बड़े बदलाव बताएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में ग्रह की स्थिति बन रही है, जो आप लोगों के लिए कौन से बड़े और नए परिवार का लेकर आने वाली है। बस दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि प्रत्येक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्ति हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिल सके। दोस्तों खाने का और शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन दोस्तों एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। दोस्तों ये बात तो आप सभी ही जानते हैं कि महिला चाहे जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो वह जिंदगी को नरक भी बना सकती है। महिलाएं दोस्तों माँ लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। दोस्तों महिलाओं को आप भूल करके भी अपमानित करने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता दूं कि किस प्रकार आपको इनका साथ नहीं छोड़ना है और स्पीच में आपको क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, इसकी खास जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने जीवन का कीमती समय निकालकर इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए वक्त रहते हैं, अगर आप इस चीज को जान लेंगे तो आपका जीवन इतना सुंदर होगा कि शायद ही किसी और का हो सके। या रखिएगा दोस्तों, एक आध्यात्मिक व्याख्या आपको बताते हैं कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से ऊर्जा में बादल जाता है। और दोस्तों आपका जन्म ग्रह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी बार SMS किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी कि आपका मां पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इस महिला के संपर्क में आते हैं, जो दोस्तों जींस आपका पिछले जन्म का नाता है, उनके साथ आते ही आपके जीवन में अच्छे और शुभ परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ में आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगी, इसके साथ ही आने वाले समय में बहुत जरूरी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी यह है दोस्तों कि आपको सच्चा प्यार करने वाले लोग आपके आसपास हैं, तो उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ बता दें कि आप लोगों को अपना ही समझिए, उन्हें गैर समझना की गलती ना करें, तभी दोस्तों आपको अपने पिछले जन्म का साथी मिल पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कर्म प्रधान यानी कि जो शनिदेव है, उनके कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर है। देखिए जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों परिणाम कैसे देना है यह मैंने दोस्तों अपने हाथों में रखा है। याद रखिएगा इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए हेलो दोस्तों, अब आपको आपके पिछले जनों के साथी की कुछ खास पहचान बताते हैं।
याद रखिएगा, जब भी आज आप इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने का जाएगा। आपका माँ बिना ही किसी बात के प्रश्न होने का जाएगा। आपके यदि कम कोई बिगड़ भी रहा है तो वह भी जल्द से जल्द पूरा और अच्छे तरह से होने लगेगा। इसका दोस्तों एकमात्र कारण केवल और केवल यह व्यक्ति ही है, लेकिन कई बार दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ग्रह के प्रभाव में फंस जाते हैं कि आप लोगों से कट ऑफ कर देते हैं, यानी कि लोगों को छोड़ देते हैं। तो अब हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताएंगे कि आप अपने पास सकारात्मक लोगों को किस प्रकार पहचान सकते हैं और आप उनसे कैसे जुड़े रह सकते हैं, उनके आसपास रख सकते हैं। याद रखिएगा, गुस्से पर खासकर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको अपने करियर में, आपके बिजनेस में एक एड सफलता आपके हाथ लगेगी। दोस्तों एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोच समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी कि आपको सामाजिक बट भाव सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपके समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा सा समय आपको अकेले में रहना सीखना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना होगा, या फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि थोड़ा बहुत समय आपको निकालना होगा और उसे खाली समय में दोस्तों आपको भी धार्मिक सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, तभी आपका मन शांत होगा। आप योग प्रणाम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चरत भी आपने जीवन में कर सकते हैं। वैसे दोस्तों शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खानपान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही यदि दिखाई है, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट का खाना हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा व्यायाम और योग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप अपने जीवन में अच्छे और शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बता दें, आपको आपका कुछ स्वभाव भी है जो आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देता है, जैसे दूसरों के प्रति आपकी सहायता करने का स्वभाव आप लोगों को दोस्तों आपके विनाश का कारण बन सकता है। किसी किसी समय पर लोगों की मदद यदि आप करते हैं तो आपको कहानी ना कहानी धोखा मिलता है, इसलिए सावधान रहे। किसी भी मामले में यदि पैसों का लेन देन हो, कोई भी कार्य आप किसी के साथ में मिलजुल कर रहे हो तो भी सावधान रहे, सावधान जरूर रहे, धोखा मिल सकता है। कोई अपने सीक्रेट्स किसी के सामने लिखना करें जो कार्य करना चाहते हैं या कहानी आना जाना चाहते हैं तो अपने तक सीमित रखें। कोई गुप्त बातें आपको अपने करियर से संबंधित हो, उन्नति से संबंधित हो, यह कार्य क्षेत्र से संबंधित हो तो अपने से सीमित रखें, किसी के सामने उजागर ना करें, वरना लोग कोई गलत फायदा उठा सकते हैं, इस चीज का सावधान रहना है। दोस्तों आपको बता दें कि लाभ की स्थिति है तो बन रही है, लेकिन इसके साथ साथ खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखना की आवश्यकता है। विद्यार्थी को भी जो है अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना की आवश्यकता है, दुश्मन है वह चलेंगे लेकिन आपको उनसे बचना है। देखिए लोगों की जो काली नजरें होती हैं वह दोस्तों लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। यहाँ आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आई और वह आपके जलने बाकी काली नजरें लगने में देर नहीं लगता है। इसलिए हमेशा अपने गले में एक काला धागा अवश्य बांध रखें, अपने परिवार के हर व्यक्ति के गले में काला धागा बांधा रखें। साथ ही आप अपने घर पर भी दोस्तों काली मटकी टांगे, जिससे आपके घर पर किसी भी बुरे व्यक्ति की नजर ना लगे और आपका पूरा परिवार, साथ ही आपका जो घर है वह भी काली नजरों से हमेशा बचा रहे और आपकी खुशियों पर किसी तरह की कोई कमी ना आए। आइए अब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, अच्छी श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना, क्योंकि हनुमान जी आज आपके ऊपर खूब कृपा लुटाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य रूप से लिख दें। और दोस्तों आज के दिन सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी ना भूले, सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें और हनुमान जी के मंदिर निकल जाए। हनुमान जी के मंदिर जाकर दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, आपकी सारी
मुरादें अवश्य रूप से पूर्ण होगी। आइए अब आपका महाराशि फल जान लेते हैं। बिना किसी देर के दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो जिंदगी में हमेशा तरक्की कर रहा होता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना ही किसी की तरक्की के बीच में आता है। और जो व्यक्ति लोगों की यानी कि जो व्यक्ति दूसरों को बाधा पहुँचाता है, दूसरों के बीच बीच में आता है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए कभी भी किसी की तरक्की के बीच में ना आए दोस्तों। आप तरक्की तभी करेंगे जब आप किसी के अड़ंग में नहीं आएंगे। साथ साथ अधिकतर जो जिंदगी है कठिन तब हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां भेजनी है तो भेजनी है, यानी कि दुख भेजा है तो दुख तो वह भेजेंगे, और परेशानियां भेजी है तो परेशानियों को हमको भोगना तो पड़ेगा ही। अब दोस्तों, यह आपके ऊपर है कि आप खुद में बदलाव लाएं और खुद का नजरिया थोड़ा सा चेंज करें, और उन परेशानियों को दोस्तों आप कैसे सुलझा सकते हैं उस पर फोकस करें, ना कि आप परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। खुद को परिस्थिति को बदलने में समय व्यर्थ ना करें, वरना जिंदगी आपकी कठिन अवश्य रूप से होगी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जो अभी आपके हाथ में है उसको सबसे पहले महत्व दे। वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब वह परिवर्तन चाहे आप में हो या आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखें, क्योंकि मित्रों परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात आप अपने जहन में आज ही उतार लो। और हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, इसलिए यह हर परिवर्तन को मित्रों तो हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि आने वाले 48 घंटे कैसे रहेंगे। आज का दिन भाग्य की कृपा से लाभकारी रहेगा। अच्छी बात यह रहेगी कि इन्हें आज भाग्य के साथ ही परिश्रम का भी फायदा मिलेगा। कारोबार में आज आपको खूब लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर काम धंधे से मामलों में आज आपको साथी सहयोगियों का भी पूरा साथ मिलेगा। लोहे से संबंधित कामों में अच्छा कारोबार होता देखा जा सकता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं उनके कामों में भी आज तेजी दिखेगी, जिससे इनकी कमाई अच्छी होगी। नौकरी में आज आपका प्रभाव और महत्व बढ़ेगा। आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नए स्रोत की भी तलाश कर सकते हैं। घर परिवार में आज आपका जीवन साथी के साथ मेलजोल बना रहेगा। किसी धार्मिक अथवा शुभ काम में आप आज शामिल हो सकते हैं। बच्चों के साथ आपको आज मनोरंजक पल बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम बना रहेगा। लव लाइफ के मामले में भी दिन आपके पक्ष में है। आज का दिन व्यापारिक कार्य में लाभ और काम की बेहतर स्थिति को दर्शाने वाला रहेगा। आपका प्रभाव और महत्व कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। व्यापारिक साख का लाभ आज आपको अपने कारोबार में प्राप्त होगा। कुछ नए बड़े ऑर्डर प्राप्त करने हेतु किया गया प्रयास सफल होगा और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। खानपान और गृह निर्माण कार्य से संबंधित काम करने वाले जातकों की आज विशेष रूप से कमाई अच्छी होगी। नौकरी पेशा वर्ग में आज आप काम के साथ मनोरंजक पलों का भी आनंद लेंगे। जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में तालमेल और मधुरता देखी जा सकती है। आप आज जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण पलों का आनंद लेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको पिता की ओर से भी लाभ मिलने का योग दिखता है। लव लाइफ में जिनका प्यार नया है, वह आज प्रेमी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। शाम के समय आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आज का दिन लाभदायक रहेगा। बिजनेस में आज आपको अच्छी कमाई मिलने वाली है, लेकिन साथ ही आज आप कुछ पेंडिंग बिल को भी चुका सकते हैं। आपको आज नौकरी में साथी सहकर्मियों का साथ मिलेगा। किसी सहयोगी और मित्र के सहयोग से आपकी कोई चिंता दूर होगी। किसी अधूरे अटके काम के पूरा होने से आप राहत की सांस लेंगे। आपको आज भाग्य भी लाभ दिलाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको आज इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। आप आज परिवार की खुशी के लिए धन खर्च करेंगे। बच्चों और जीवन साथी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आप आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की व्यवस्था को बनाए रखने पर काम करेंगे। आपको आज मित्रों और संबंधियों से अपेक्षित सहयोग मिल पाएगा।
आज बच्चों के संग मनोरंजक पल भी बिताएंगे और उनकी शिक्षा में भी सहयोग करेंगे। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए उसकी इजाजत ले तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। आपका प्यार ना सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुए। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती है। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके प्रियजन खुश और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए। आज के दिन प्यार की कली चटक फूल बन सकती है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी छवि बना पाते हैं। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ ले। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही ना गवाएं तो घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमानी दिनों में से एक हो सकता है। जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करते रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। जो उधारी के लिए आपके पास आ उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वह गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ रोनी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। आज किसी बुजुर्ग के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है, ऐसे में अपने गुस्से को काबू में रखें। जिन लोगों ने लोन लिया था आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ है। आपके आकर क्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। एक बार आप अपने हमकदम को हासिल कर ले तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे। जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दे। कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आज आपका दिन संगीतमय बीत सकता है। अपने ऊंचे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद आप फिर ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। अटके हुए मामले और घने होंगे, वह खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं,
लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ किसी करीबी और पुराने मित्र से। मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। अपने चे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद आप फिर ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। अटके हुए मामले और घने होंगे व खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। छोटे भाई बहन आपसे राय मान सकते हैं। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण का आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ किसी करीबी और पुराने मित्र से। मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। आज खेलकूद में हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि चिर यवन का रहस्य यही है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता बातें का सही समय है। आज आपके पास पर्याप्त वक्त होने की संभावना है, लेकिन इन कीमती पलों को ख्याली पुलाव पकाने में ना गवाएं। कुछ पुख्ता करना आने वाले सप्ताह की बेहतरी में मददगार साबित होगा। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय ले। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। बढ़िया दिन है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच। आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने समस्या यह होगी कि किसे पहले चुना जाए। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपको हिम्मत और मजबूती दिखाने की जरूरत है। सकारात्मक रवैये के माध्यम से आप आसानी से इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। नवजात शिशु की खराब तबीयत परेशानी का सबब बन सकती है, इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर से भली भांति सलाह ले, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। रोमांस के नजरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। आज आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाज हो सकता है, क्योंकि आज के दिन का ज्यादातर समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत ना बिगाड़ ले। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के ये पर्याप्त समय होगा। हालांकि धन आपकी मुठिया से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारेंगी नहीं आने देंगे। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहे। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा, बल्कि नई ऊँचाइयों को भी छुए। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, यही खास है। आज अगर आप अपने दिन को जरा बेहतर व्यवस्थित करें तो अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग कर काफी काम कर सकते हैं। अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। दोस्तों के साथ खाली समय और नेटवर्किंग में भाग लेने का मजा ले। बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। अपने डरों पर काबू पाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। चुनौतियों
को स्वीकार करें और अपने विचारों को लोगों के साथ बांटें। चाहे आप नई दिशा को चुने या रानी राह पर चले, दोनों ही सूरतों में आपकी सफलता अटल है। जोखिम लेने से पीछे ना हटे, जो जोखिम नहीं लेता वह जीवन में विजय नहीं हो सकता। इस समय आपको अपने शौक जैसे नृत्य, संगीत या फोटोग्राफी को पूरा करने का अवसर मिलेगा। दिलबर के दूर होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन संचार के साधन आपको पास ले आएंगे। रिश्ते में गुलाबों की खुशबू भरने के लिए छोटे भाई बहनों के आइडियाज की सहायता ले, समान विचारों वाले लोगों से बातचीत करें और अवसरों का लाभ उठाएं। रोमांस और मोहब्बत भी आज आप पर मेहरबान है, क्योंकि खाली वक्त के लिए आपने कुछ खास कार्यक्रम बनाए हैं। रोमांस का मतलब केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर को हर संभव खुशी देना भी है। अपने छोटे भाई बहनों या चचेरे भाई के साथ छोटी यात्राओं का मजा लेने के लिए आज का दिन शानदार है। कार्यस्थल या ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और आपके वित्तीय मामले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। याद रखें, मुश्किलें ही सफलता की सीढ़ियां हैं। आपका कामकाजी जीवन इस समय बढ़िया चल रहा है, चाहे यही काम करें या कुछ नया सोचे, सफलता आपका पीछा हर जगह करेगी। आपके हर कार्य का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नए रिश्ते या परियोजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है। लक्ष्य निर्धार करें और आत्मविश्वास के साथ इसकी ओर बढ़े। यहाँ तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वह गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ रोनी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। आज किसी बुजुर्ग के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है। ऐसे में अपने गुस्से को काबू में रखें। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ है। आपके आकर क्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। एक बार आप अपने हमकदम को हासिल कर ले तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे। जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा, आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दे। कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आज आपका दिन संगीतमय बीत सकता है। अपने ऊंचे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद फिर ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। अटके हुए मामले और घने होंगे, वह खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। अपने चे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद आप फिर ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। अटके हुए मामले और घने होंगे, वह खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण का आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। आज खेलकूद में हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि चिर यवन का रहस्य यही है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है।
आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं, आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता बातें का सही समय है। आज आपके पास पर्याप्त वक्त होने की संभावना है, लेकिन इन कीमती पलों को ख्याली पुलाव पकाने में ना गवाएं। कुछ पुख्ता करना आने वाले सप्ताह की बेहतरी में मददगार साबित होगा। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय ले। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। बढ़िया दिन है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने समस्या यह होगी कि किसे पहले चुना जाए। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपको हिम्मत और मजबूती दिखाने की जरूरत है। सकारात्मक रवैये के माध्यम से आप आसानी से इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। नवजात शिशु की खराब तबीयत परेशानी का सबब बन सकती है, इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर से भली भांति सलाह ले, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। रोमांस के नजरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। आज आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाज हो सकता है, क्योंकि आज के दिन का ज्यादातर समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत ना बिगाड़ ले। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के ये पर्याप्त समय होगा। हालांकि धन आपकी मुठिया से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारेंगी नहीं आने देंगे। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहे। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दे कि आप उनका ख्याल रखते हैं। आपका प्यार ना सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुए। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, यही खास है। आज अगर आप अपने दिन को जरा बेहतर व्यवस्थित करें तो अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग कर काफी काम कर सकते हैं। अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। दोस्तों के साथ खाली समय और नेटवर्किंग में भाग लेने का मजा ले। बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। अपने डरों पर काबू पाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। चुनौतियों को स्वीकार करें और अपने विचारों को लोगों के साथ बांटें। चाहे आप नई दिशा को चुने या रानी राह पर चले, दोनों ही सूरतों में आपकी सफलता अटल है। जोखिम लेने से पीछे ना हटे, जो जोखिम नहीं लेता वह जीवन में विजय नहीं हो सकता। इस समय आपको अपने शौक जैसे नृत्य संगीत या फोटोग्राफी को पूरा करने का अवसर मिलेगा। दिलबर के दूर होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन संचार के साधन आपको पास ले आएंगे। रिश्ते में गुलाबों की खुशबू भरने के लिए छोटे भाई बहनों के आइडियाज की सहायता ले। समान विचारों वाले लोगों से बातचीत करें और अवसरों का लाभ उठाएं। रोमांस और मोहब्बत भी आज आप पर मेहरबान है, क्योंकि खाली वक्त के लिए आपने कुछ खास कार्यक्रम बनाए हैं। रोमांस का मतलब केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर को हर संभव खुशी देना भी है। अपने छोटे भाई बहनों या चचेरे भाई के साथ छोटी यात्राओं का मजा लेने के लिए आज का दिन शानदार है। कार्यस्थल या ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और आपके वित्तीय मामले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। याद रखें
मुश्किलें ही सफलता की सीढ़ियां हैं। आपका कामकाजी जीवन इस समय बढ़िया चल रहा है। चाहे यही काम करें या कुछ नया सोचे, सफलता आपका पीछा हर जगह करेगी। आपके हर कार्य का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नए रिश्ते या परियोजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है। लक्ष्य निर्धारित करें और आत्मविश्वास के साथ इसकी ओर बढ़ें।